सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा लें ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस न कर पाए। नमस्कार दोस्तों, भंडार टीवी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दांतों को चमकाने का चमत्कारी घरेलू नुस्खा। और आप देख रहे हैं मेरे सामने पड़ा हुआ है अनानास। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसकी मदद से अपने दांतों का पीलापन हटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है, हमने इसे ले लिया। अब हम करेंगे आगे का काम और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दांतों का पीलापन हटा सकते हैं चुटकियों में। तो इसके लिए दोस्तों हमने आपको बताया कि आप यहाँ पर अनानास का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या प्रोसेस है सारी चीजें ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम अनानास को पहले काट लेते हैं जितना हमें यहाँ जरूरत होगा। तो ये जो अनानास है इसे हम अभी के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से, तो इतना को हम अभी साइड में रखते हैं। और ये जो अनानास है हम इसका जो ये हिस्सा इतना को अभी फिलहाल के लिए करते हैं, काट लेंगे। आप देखते जाइए, ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ दोस्तों ये आप भी घर में फॉलो करेंगे और देखिएगा आपको रिजल्ट क्या मिलता है। बहुत कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। आप बस मैं जो कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखते रहिए। इसके छोटे छोटे पीस ऐसे काट लेना है आपको, छोटे छोटे पीस करते जाएं, इतना बस इतना काफ़ी है। अब इसके बाद इन्हें साइड में करेंगे, यहीं पर रख लेंगे हम इसे और इसके बाद इन सभी चीज़ों को डाल देंगे इसमें। यहाँ पर इसका जो जूस है इसकी जरूरत होगी, तो हम इसे थोड़ा सा और अच्छी तरीके से दबा लेते हैं। तब दोस्तों यहाँ पर आपको एक जो मैंने एक छोटी सी कटोरी लेकर आ गई है, अब इसको हम इसका जो रस है इसको बस अपन निकाल लेंगे। हमने रस तब इसकी हमको जरूरत है, अब बताते हैं आगे का प्रोसेस आप। तो दोस्तों देख लिया आपने सारा प्रोसेस, अब बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। एक कटोरी ले लें और फिर आपको यहाँ पर चाहिए होगा नमक। नमक की मात्रा ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको नमक चाहिए होगा इतना सा। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने अपने अनानास का जो रस निकाला था उसको हम यहाँ पर डाल देंगे एक चम्मच, पूरा एक चम्मच अनानास का रस डाल देंगे और इसे हम मिला देंगे। अब इसके बाद इसे हम साइड में रखते हैं और बताता हूँ एक और टिप। इससे इस चीज को यूज करने से पहले आपको बस आधा नींबू लेना है, उसे अपने दांतों पर रगड़ना है। उसको धोने के बाद आपको इस नुस्खे को ब्रश पर लेकर के और अपने दांतों को ब्रश करना है। ये चीज आप डेली ब्रश करते समय भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डेली सजेस्ट नहीं करता क्योंकि दोस्तों अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा पीलापन जब तक ना हो तब तक आप इसका डेली यूज ना करें। देखिएगा आप एक वीक में ही आपको बहुत ऐसे कमाल के रिजल्ट मिलेंगे इस नुस्खे से जो कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर आप सचमुच में अपने दांतों के पीलेपन से परेशान है तो एक बार इस रेमेडी को ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भंडार टीवी को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आप हमारी इस प्रकार की नई वीडियो सबसे पहले देख पाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।